लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है हमारी देश की बेटी शहीद बेटी राबिया सैफी को लेकर। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर राबिया सैफी को लेकर सड़कों पर एहतजाज किया जा रहा है। वहीं पर जो है हमारे मंचीरियाल में भी बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया और वहीं पर शहर हैदराबाद अंबरपेट और हैदराबाद के मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज किया गया कि राबिया सैफी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो आई नाज़रीन मुख्तलिफ जगहों से खबर हम आपको दिखाते हैं। आज मंचीरियाल में जो रैली निकाली गई उसकी वजह यह है कि अगस्त के महीने में दिल्ली में काम करने वाली एक पुलिस अहलकार, पुलिस उसको कहा जाता है जो लोगों की हिफाजत करती है, उस मासूम बच्ची को जो अभी 4 महीने हुआ था कि पुलिस में वो ज्वाइन हुई अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए, लोगों की हिफाजत करने के लिए, औरतों की हिफाजत करने के लिए, ऐसी बच्ची के साथ ज्यादती करके उसके साथ रेप करके उसको बहीमाना कत्ल कर दिया गया। हम हुकूमत हिंद से ये सवाल करते हैं कि जहाँ पे हुकूमत हिंद बार बार कहती है कि बेटी बचाओ देश को बचाओ, तो आज हम सवाल करते हैं कि बेटी कहाँ महफूज है। एक कहीं मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ हो रही है, कत्ल हो रहे हैं, और कहीं दलितों के साथ कत्ल के वारदात पेश आ रहे हैं, कहीं हिंदुओं के साथ उनके साथ रेप किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। हम हुकूमत हिंद से ये सवाल करते हैं कि तुम्हारा नारा कहाँ तक सही है। एक पुलिस अहलकार, एक पुलिस खातून अगर तुम्हारी हुकूमत में महफूज नहीं है तो फिर आम औरतें तुम्हारी हुकूमत में कहाँ महफूज रह सकती है। हम हुकूमत से सवाल करते हैं कि आज 15 दिन हो गए इतना खतरनाक वाकया पेश आया, लेकिन अभी तक कोई किसी मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी को दारे तख्त तक नहीं पहुंचाया गया। तो हम अपील करते हैं हुकूमत से कि जो मुजरिम है उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, बल्कि उनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि हमारा जो हिंदुस्तान है जो सोने की चिड़िया समझी जाती है और हिंदुस्तान एक महफूज मुल्क समझा जाता है, जहाँ पर अगर ऐसे वाकयात पेश हो तो फिर लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ है। मुसलमान भी डर रहे हैं, औरतें भी डर रहे हैं। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि जिन्होंने इतना खतरनाक काम किया है, इतना खतरनाक जुर्म किया है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उनको फांसी के फंदे तक पहुँचाए। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।